हाय फ्रेंड्स, टीए के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर टिम्बर चल रहा है तो पहले टिम्बर को ख़त्म करेंगे, तो टिम्बर में हम लोग आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्सन ऑफ टिम्बर, जिसके बारे में हमें ज़रूर जान लेना चाहिए। और ये नॉलेज के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक इंजीनियर के लिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि एक टिम्बर को, एक पेड़ को जब काट के 100 मील में ले जाते हैं या आरा मशीन में ले जाते हैं, तो उसको किस तरह से प्लैंक बनाया जाता है या यूजेबल टिम्बर या कन्वर्जन किया जाता है, उसको काटने के कौन कौन से मेथड्स जो हैं डेवलप किए गए हैं जिसको अडोप्ट किया जाता है। तो ये अगर आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो अगर कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ गई इन सब चीज़ों को देखने की, सजेस्ट करने की, तो आप कुछ बेहतर सजेस्ट कर पाएंगे। ये तो हुआ नॉलेज की बात, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इंजीनियर ना भी हैं लेकिन टिम्बर के काम वाम से रिलेटेड है, टिम्बर का बिजनेस करते हैं या टिम्बर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, शायद आपके काम का है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, टिम्बर को कन्वर्जन का मतलब क्या है। पेड़ का लॉग्स या जो पेड़ का जो तना है, हमने क्या किया कि पेड़ को काटा, काट के उसको डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में उसको काट दिया। काटने के बाद उसको हम लोग उसका जो भी एक्स्ट्रा डाल वाल थे उसको छटैया करके वहीं पे ऑन साइट उसको लेके आ गए हम लोग 100 मील में, या हमारे इंडियन बोलचाल की भाषा में आरा मशीन जिसको बोलते हैं, जो आरी से उसको काटा जाता है। तो उसको हम लोग लेके आ गए। अब उसको हम लोग तख्ता बनाएंगे यानी प्लैंक बनाएंगे। तो प्लैंक बनाने के लिए बहुत सारे तरीके डेवलप किए गए हैं, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि सबसे पहले तो प्लैंक के अंदर जो पिथ है यानी जो सेंट्रल पोर्शन है टिम्बर का, वो उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। पिथ है, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो पिथ होता है ये सबसे पुराना होता है टिम्बर के अंदर। जब पेड़ सबसे यंग एज में होता है तो ये पिथ ही है जिसके थ्रू खाना पीना जो है सारे टिम्बर को पहुंचता है और धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होता है। और ग्रोथ होते होते एक समय ऐसा आता है कि बाकी के चारों तरफ से जो तना है मोटा होता जाता है और जो खाना वाना पहुंचाने का जो काम है पिथ की बाहरी लेयर करने लगती है और पिथ का होने लगता है डीके, वो मृत हो जाता है। क्योंकि उसमें प्राण नहीं होता तो उसमें कीड़े वीड़े लग जाते हैं और वो पूरा का पूरा जो पिथ वाला सेक्शन है या पिथ वाला जो जोन है वो कमजोर होने का खतरा रहता है। इसीलिए इंजीनियरिंग पर्पज से यूज होने वाले टिम्बर में जब भी हम लोग टिम्बर को कन्वर्ट करते हैं तो पिथ को अलग करना पहला टारगेट है, अगर हमें मजबूत टिम्बर चाहिए तो। अब ये तो एक पॉइंट है ही है, अब दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमें मान लीजिए कि 3 इंच का या 2 इंच का तख्ता चाहिए या 2 इंच का प्लैंक चाहिए, मैं थोड़ा सा देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप उसको आसानी से ग्रैप कर सकें। इंजीनियरिंग भाषा तो किताबों में लिखी है, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप तख्ता बनाना चाहते हैं, मान लेते हैं 2 इंच का या 1 इंच का, लेकिन होगा क्या, जब आप आरा मशीन में काटने के लिए लेके आए हैं पेड़ को, तो उस समय उसमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। जब आप उसको काट लेंगे तो फिर उसको सीजनिंग के लिए उसको रखेंगे, तो सीजनिंग के दौरान उसमें और भी श्रिंकेज होगी। तो अगर आपको 3 इंच का तख्ता चाहिए तो ऐसा नहीं कि आप 3-3 इंच का तख्ता काटिए, 6 से 10 mm का उसमें मार्जिन लेके चलिए यानी थोड़ा ज़्यादा काटिए, ताकि प्लैंक को जब कारपेंटर काम करे तो उसका वो करेगा स्क्वायरिंग, उसको छीलेगा, नापेगा, उसके 90 डिग्री को एकदम एक्यूरेट बनाएगा, तो इस प्रोसेस में कुछ बर्बाद हो जाएगा और कुछ बर्बाद होगा उसके श्रिंकेज की वजह से। इसीलिए मार्जिन, जैसे अगर आपको 6 mm जैसे 50 mm का प्लैंक चाहिए तो आपको 56 या 58 mm का कटिंग करना चाहिए। अब अगर आपने पीछे की वीडियोस आपने देखी होंगी तो मैंने आपको मेडुलरी रेज के बारे में बताया था। तो इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम सौ से काटें या आरी का जो निशान लगाएं या आरी जो चलाएं उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एनुलर रेज के टेंजेंशियल होना चाहिए। जैसे ये एनुलर रेज है ना, ये एनुलर रेज है, एनुलर रिंग्स हैं, ये एनुलर रिंग्स, तो जो
आगे चलने का जो डायरेक्शन होना चाहिए इस तरह से काटेंगे, और ये जो है इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टली क्या है, टेंजेंट है इस एनुलर रिंग के ऊपर, या यूं कहें कि अप्रोक्सीमेटली, जैसे अगर हम ये आदि चला रहे हैं तो ये इस मेडुलरी रेज के पैरेलल है, यानी कहीं ना कहीं मेडुलरी रेज के पैरेलल हो या एनुलर रिंग्स के टेंजेंशियल हो, तभी जो है उसके रेशे जो है पूरे पूरे सीधे उस प्लैंक के अंदर आएंगे और टिम्बर जो होगा वो मजबूत होगा। अब टिम्बर को काटने के लिए या उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने इस पर ड्रॉ किया हुआ है। और टिम्बर को कन्वर्ट करने के या तो ऑर्डिनरी तरीका हो सकता है, क्वार्टर ऑर्डिनरी साविंग बोलते हैं, या क्वार्टर साविंग बोलते हैं, रेडियल साविंग बोलते हैं, या फिर टेंजेंशियल साविंग बोलते हैं। तो इतने तरह के साविंग करके हम लोग टिम्बर को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन एम होता है वेस्टेज को कम से कम रखना, तो टिम्बर के ब्यास या हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कितना बड़ा बड़ा प्लैंक चाहिए और टिम्बर का क्या साइज है, तो उस हिसाब से ऑन द स्पॉट हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन से मेथड को अडॉप्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी शाविंग के बारे में। अब ये देखिए मैंने एक चित्र बनाया है ऑर्डिनरी शाविंग के लिए। तो इसमें सिंपल क्या करते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में सीधा सीधा, जैसे मान लीजिए कि हमें 3-3 इंच का प्लैंक चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हर 3 इंच 6 मिलीमीटर, 3 इंच + 6 या 5 मिलीमीटर अपना मार्जिन लेने के बाद इसको सीधा 100 से इस तरह से काटते जाएंगे। और ये जो 100 की लाइन होती है वो टेंजेंशियल होती है किसके ऊपर, मेडुलरी रिंग्स के ऊपर। और इसमें आप देखते जाएंगे कि ये वाला तख्ता थोड़ा छोटा होगा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, ऐसा मिलता जाएगा। और ये जो प्लैंक आएगा इसको फिनिश करने के लिए फिर यहाँ से काटना पड़ेगा, काट के वो फिनिश तख्ता या प्लैंक मिलेगा। जो सेंट्रल पोर्शन है वो उसमें क्या होगा, पिथ भी निकलेगा ऐसा। ये अगर हमने सेंट्रल पोर्शन काटा तो बीच में ऐसे पिथ है, हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ऐसे काट के पिथ को हटा देंगे और ये ऊपर वाला नीचे वाला जो निकला उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑर्डिनरी शाविंग जो है सबसे कम वेस्टेज इसी में होता है, लेकिन इसमें खतरा ये रहता है क्योंकि इसमें चौड़े चौड़े प्लैंक्स निकलते हैं तो उसमें वार्पिंग होने का खतरा रहता है, तो इसीलिए थोड़ा इसको अवॉइड किया जाता है। अगर टिम्बर ज़्यादा गीला है या ज़्यादा उसमें मॉइस्चर है तो इस तरह के शाविंग को अवॉइड करते हैं। अदरवाइज अगर वो सीजनड है या बहुत पुराना है, बहुत पहले से लॉग गिरा हुआ है, तो हम लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और बहुत इकोनॉमिकल रिजल्ट देता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टर साविंग के बारे में, जिसका यहाँ पे फिगर दिया हुआ है क्वार्टर साविंग। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले, जैसे ये अगर प्लैंक, ये अगर लॉग है, इसको पहले 4 हिस्से में काट लेते हैं, एक बार ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटा, तो ये हमारा पिथ हो गया। और इस तरह से फिर इसको इधर से ऐसे काट लिया, फिर जो बच गया उसको इधर से ऐसे काट लिया, फिर इधर से ऐसे काट लिया। इस तरह से इसके जो प्लैंक्स निकलते हैं एक दूसरे से छोटे होते जाते हैं, और ये जो है तरीका क्वार्टर साविंग करने का है। और इसमें भी जो कट लगता है वो एनुलर रिंग्स के टेंजेंशियल होता है, तो इससे क्या होता है जो रेशे होते हैं पूरे प्लैंक में। अब इसमें मैं जितना बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो किताबें पढ़ लीजिएगा, ऐसे ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा बहुत आइडिया जरूर चाहिए, क्वेश्चन आएगा इस तरह फिगर से पूछेगा ये कौन सा साविंग है, तो आप आराम से बता सकेंगे कि ये क्वार्टर साविंग है। अब जो अगला मेथड है उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल साविंग। देखिए ये है टेंजेंशियल साविंग, इसमें भी जो कट लगती है वो एनुलर रिंग्स के टेंजेंशियल ही लगती है, लेकिन इसमें हम लोग पहले स्क्वायर नहीं बनाते, जैसे इसमें पहले हमने 4 हिस्सा किया था, इसमें 4 हिस्सा नहीं करके पहले एक बार क्या किया, देखिए इसमें पहला जो कट लगेगा ऐसे सीधा लगा, ये वाला कट लग के हमने पहले ये प्लैंक निकाल लिया, मैंने ऐसा कट लगाएंगे तो सिर्फ इतना पोर्शन निकलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि फिर इधर वाला और इधर वाला कट लगाएंगे, तो फिर दूसरी बार में हमको ये प्लैंक निकल जाएगा, फिर इधर से ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जब निकल गया, सॉरी ये वाला निकलेगा, ये थोड़ा फिगर निकला गलत बना है, इसमें आना चाहिए था, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, उसके बाद फिर नीचे से निकाल देंगे ये वाला, ठीक है। फिर उसी तरह ऊपर साइड और नीचे, तो ऐसे करके निकालते चले जाएंगे। तो इसमें भी क्या होगा कि
धीरे धीरे जो है प्लैंक के साइज जो है छोटे होते जाएंगे, लेकिन इस तरह के कटिंग से क्या होगा, हमारा पिच जो है डायरेक्टली अलग से निकल जाएगा, उसको बीच से काट वाट के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वार्पिंग का भी खतरा कम रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े प्लैंक नहीं निकलेंगे, साइज में छोटे होते जाएंगे तो वार्पिंग का भी चांसेज कम हो जाएगा। तो ये था टेंजेंशियल सॉविंग। और जो आखिरी मेथड है उसको हम लोग कहते हैं रेडियल सॉविंग, जो एक तरह का क्वार्टर सॉविंग का ही टाइप है, ये है रेडियल सॉविंग। इसमें भी क्या करते हैं कि पहले एक क्वार्टर डिवाइड कर लेते हैं, चार हिस्से में बांट लेते हैं और उसको इस तरह से पीस पीस कर लेते हैं। ये एक तरह से जो निशाने पड़ती हैं ये मेडुलरी रेज के पैरेलल मान सकते हैं इसको, और ये ऐसा दिखता है कि ये सारे रेडियस हैं, इसका जितना भी कट लाइन है वो रेडियस की तरह दिखता है या रेडियस के पैरेलल दिखता है, इसलिए इसको रेडियल सॉविंग कहते हैं। ये जो सॉविंग करते हैं ये हार्ड लकड़ी में हम लोग ज़्यादा एडोप्ट करते हैं, जिसमें श्रिंकेज और वार्पिंग के चांसेस बहुत कम हो। अब हम अगर स्ट्रेंथ की बात करें कि हमने बहुत सारे तरीके जो पढ़े तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर हमें देता है वो देता है रेडियल। रेडियल जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर हमें इससे रेडियल सॉविंग से निकलता है, और उसके बाद जो स्ट्रेंथ देता है वो क्वार्टर के बाद ऑर्डिनरी, और ऑर्डिनरी से सबसे कमज़ोर जो होता है वो होता है टेंजेंशियल। तो ये जो स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने ये किया है, इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा रेडियल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेडियल से बड़ा, रेडियल से छोटा क्वार्टर, क्वार्टर से छोटा ऑर्डिनरी, और ऑर्डिनरी से भी छोटा टेंजेंशियल। तो ये इसका सीक्वेंस है। तो ये जो थोड़ी बहुत जानकारी थी सॉविंग के बारे में, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाया हूँ इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है, अपने किसी क्लोज फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि उसका भी नॉलेज बढ़े। अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल अभी 97,000 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा पहुँच चुका है और बहुत स्लोली बढ़ रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसके सब्सक्रिप्शन का और लाइक कमेंट का थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, और हमें हम लोग जितना जल्दी 100K यानी 1,00,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, मेरे को भी इनकरेजमेंट मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप एक ऐसे चैनल को फॉलो करते हैं जिसका सब्सक्राइबर्स 1,00,000 से ज़्यादा हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी बन जाए और हम लोग 100K चैनल होने का जो सेलिब्रेशन है जितना जल्दी हो सके मना सके। तो वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।